हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एसआरपी स्टोरीज, जहां मैं आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूं। सो अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है, जहां पर आप ये फॉर्मेट यूज़ करके अपनी स्टोरीज मुझे भेज सकते हैं। आज की जो स्टोरी है वो एक्चुअली मेरे सब्सक्राइबर की नहीं बल्कि एक रेडिट पोस्ट से आती है, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इस रेडिट पोस्ट का लिंक दे रखा है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज अ स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स और उनकी एक कैट जिसका नाम था बूट्स। एंड आई एम जेन्युइनली सेइंग दिस थिंग, आई एम नॉट ओवर हाइपिंग, बट ये स्टोरी इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरीज दैट आई हैव टोल्ड ऑन दिस चैनल, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं रहता है कि ये कैट जो थी बूट्स ये आखिर चाहती क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज स्टोरी। हाय, मेरा नाम केविन है और ये कहानी है मेरी और मेरे एक दोस्त सैम की। वैसे तो हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, पर कभी एक दूसरे से हमने इतनी बातचीत नहीं करी थी। स्कूल में कई बार एक दूसरे को देखकर हमने स्माइल तो करा था या फिर दूर से वेव करना, बस इतना ही हमारा इंटरेक्शन होता था। कोइंसिडेंटली हम दोनों का एडमिशन एक ही कॉलेज में हुआ क्योंकि हमारी क्लासेस एक साथ ही होती थी। हम दोनों एक दूसरे को जानते थे और हम दोनों एक ही नेबरहुड में रहते थे, तो इसीलिए हम दोनों साथ में ही कॉलेज आते जाते, असाइनमेंट साथ में करते, एक दूसरे की हेल्प करते, और देखते ही देखते हमारी फ्रेंडशिप कैरी हो गई। वैसे तो हमारे बीच ज्यादा कुछ कॉमन नहीं था, लेकिन हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। यू कैन से वी वर बेस्ट फ्रेंड्स। हमारी जॉब प्लेसमेंट भी एक ही कंपनी में हुई, तो इस चीज को कोइंसिडेंस कहा जाए या फिर हमारा लक, लेकिन हम दोनों इस बात को लेकर बहुत खुश थे। लेकिन 4 साल पहले मैंने बेटर अपॉर्चुनिटी की वजह से किसी दूसरी कंपनी में जॉब एक्सेप्ट कर ली थी, और उसी सिलसिले में मैं दूसरे स्टेट शिफ्ट हो गया। अब हमारी इतनी मुलाकात नहीं होती थी और हम दोनों अपनी लाइफ में बहुत बिजी थे, इसीलिए हमारी ज़्यादा बातें भी नहीं होती थी, एंड नेचुरली वी ड्रिफ्टेड अपार्ट। अब हम सिर्फ ओकेजनली ही एक दूसरे को टेक्स्ट करते, जैसे कि एक दूसरे के बर्थडे के दिन और एक दूसरे की लाइफ के अपडेट्स लेने के लिए। थोड़े महीनों बाद मैं वापस अपने पुराने घर रहने आ गया क्योंकि नए शहर में मेरा मन नहीं लग रहा था। हम दोनों ही इस बात से खुश थे कि अब हम साथ में पुराने दिनों की तरह वक्त गुजार सकेंगे। हमारे एक दूसरे से चैटिंग भी अब बढ़ गई थी और हमारी दोस्ती वापस गहरी होती जा रही थी। अराउंड मिड जून, सो इन समर्स, जब मैं वेकेशन पे था, तब सैम ने मुझे बताया कि उसने एक रेस्क्यू कैट को अडॉप्ट कर लिया है। उसकी कैट बड़ी क्यूट थी क्योंकि वो बिल्ली पूरी तरह काली थी और सिर्फ उसके पॉज वाइट थे। मेरे दोस्त ने उसका नाम बूट्स रखा था, विच मेड सेंस क्योंकि उसके बूट्स वाइट थे। समर का टाइम था और सब कहीं ना कहीं घूमने जा रहे थे। मेरा दोस्त भी एक हफ्ते के लिए बीच वेकेशन के लिए जा रहा था। उसने मुझसे एक रिक्वेस्ट की कि मैं बूट्स की देखभाल करूं जब तक वो वापस नहीं आ जाता। वैसे भी मुझे उसकी कैट से मिलना ही था, तो मैंने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। पहले मैंने सोचा कि मैं बूट्स को एक हफ्ते के लिए अपने घर पर रखूंगा, पर सैम को यह पता नहीं था कि बूट्स डॉग को देखकर कैसा रिएक्ट करेगी, इसीलिए बेटर होगा कि मैं रोज कुछ घंटों के लिए उसके घर जाऊं, उसकी बिल्ली का ध्यान रखूं और फिर वापस अपने घर आ जाऊं। इस तरीके से दोनों पेट्स के बीच में लड़ाई नहीं होगी, और वैसे भी हम दोनों पास ही रहते थे, तो मैंने भी इस शेड्यूल के लिए हाँ कह दिया। मेरे दोस्त की फ्लाइट मेरे वापस आने से पहले ही टेक ऑफ करने वाली थी, तो उसने मुझे अपने गैराज का पासकोड दिया ताकि मैं उसके घर में एंटर कर सकूं। मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड था और मेरा काम भी इजी ही था। मुझे बस ये ध्यान रखना था कि बूट्स अच्छे से खा पी रही थी, उसे लिक्विड फूड देना था, उसका लिटर साफ करना था और पानी रिफिल करना था। ये सब तो मैं अपने डॉग के लिए भी करता था, और ये सब करने के बाद भी मेरे पास बहुत समय था उसके साथ खेलने के लिए, सो आई कुडंट वेट टू मीट हर।
मैं अपनी सिटी में वापस आया और फर्स्ट नाइट में सैम के घर 8:30 बजे तक पहुंचा। उसके घर की लाइट्स बंद थी, पर मैंने गैराज के डोर के थ्रू उसके घर में घुसा। बूट स्टेयर के पास ही खड़ी थी, शायद उसने मेरी आवाज़ सुन ली थी और वो मुझे घूर रही थी। आई मीन दिस वॉज आवर फर्स्ट टाइम मीटिंग, सो शी मस्ट बी फीलिंग ऑकवर्ड। पर लेट हो चुकी थी तो मैंने फटाफट बूट्स को डिनर दिया और मुझे ये करता देखकर बूट्स भी मेरी तरफ नरम हो गई। उसके डिनर खाने के बाद मैंने उसके साथ खेला और अपने आप को बूट्स से फमिलियर कराया। खेलते खेलते मैंने ऐसे ही बूट्स से पूछा, बूट्स व्हाट्स योर फेवरेट टॉय। ये सुनते ही वो बेडरूम में भागी और एक ऑरेंज प्लास्टिक माउस के साथ वापस आई। पहले तो मैं थोड़ा सा शॉक हुआ ये सोच के कि ये ह्यूमन लैंग्वेज कैसे समझ पा रही है, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरा डॉग भी कुछ वर्ड्स पर ऐसे ही रिएक्ट करता है। तुमने भी ये चीज़ अपने पेट्स के साथ फील करी होगी दैट दे डू रिएक्ट टू सर्टेन वर्ड्स। तो मैंने इस बात को पूरा शक कर दिया और मैंने ये सोचा कि इसी तरह शायद सैम भी बूट से ऐसे ही बात करता होगा, जिसकी वजह से बूट्स ने फेवरेट टॉय और प्लास्टिक ऑरेंज माउस को एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर लिया था। अगेन मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, जो भी काम था वो किया और सोफे पे सोकर बुक्स पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद बूट्स आकर मेरे पास बैठ गई और बिस्किट खाने लगी। वो बहुत क्यूट लग रही थी। मैंने उसकी पिक्स क्लिक करी और मेरे फ्रेंड्स को भेजी और उसका रिप्लाई इंस्टेंटली आ गया। वो खुश था कि मैं उसकी बिल्ली का ख्याल अच्छे से रख रहा हूँ। तो अपने दोस्त को गुड नाइट टेक्स्ट भेजकर मैं वापस बुक पढ़ने लगा और इस समय बूट्स मेरे पेट पर आकर लेट गई थी। लेकिन कुछ समय बाद मुझे एक फाउल स्मेल आई, शायद बूट्स ने पाला था। मुझे बड़ी हंसी आई इस बात पर और मैंने बूट्स का मजाक भी उड़ाया। बूट्स काउच से उतर गई और म्याओ करके वहां से चले गई एज इफ शी वॉज एंग्री और एम्बेरस्ड। 11 बज चुके थे। मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया ये इन्फॉर्म करने के लिए कि अब मैं उसके घर से जा रहा हूँ। मैं दोबारा से गैराज डोर के थ्रू घर से बाहर आया और मैंने चेक किया कि गैराज प्रॉपरली लॉक हो गया है या नहीं। आई वॉज बैक एट माई हाउस एंड देन आई वेंट टू स्लीप। दूसरी रात भी सेम ही चीज़ गुजरी। बूट्स स्टेयर के पास मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने सारा काम ख़त्म किया, बूट्स और मैं साथ में खेल रहे थे, काउच पर बैठे हुए थे कि तभी अचानक से मुझे वो ही फाउल स्मेल वापस आने लगी। मैं बूट्स को थोड़ा पास लाया और उसे सूंघने लगा कि ये स्मेल कहीं सच में इससे तो नहीं आ रही है। मुझे लगा कि शायद डॉग्स की तरह कैट्स को भी साफ करना पड़ता होगा आफ्टर पूपिंग। मैं चेक कर ही रहा था कि बूट्स वहां से भाग गई। मैं थक गया था तो ज्यादा कुछ सोचे बिना मैं वहां से अपने घर चला गया था। पर तीसरी रात जैसे ही मैं गैराज की एंट्रेंस पर पहुंचा, मुझे वो फाउल स्मेल बहुत तेज आने लगी थी। इट स्मेल्ड लाइक सल्फर। मुझे लगा शायद लिक्विड फूड की वजह से बूट्स का पेट खराब हो गया है। मैंने अपने दोस्त सैम को मैसेज करके ये सब बता दिया और उसने मुझे बूट्स का पूप चेक करने के लिए कहा टू सी इफ इट वॉज एनी डिफरेंट। बट सरप्राइजिंगली इट वॉज नॉर्मल, पूप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं बूट्स के खाने के पोर्शन कम कर दूँ। अपेरेंटली जब भी बूट्स स्ट्रेस होती है तो उसका पेट खराब हो जाता था। मैंने विंडो ओपन की ताकि घर में थोड़ी फ्रेश हवा आए और ये भी ध्यान रख रहा था कि बूट्स विंडो के बाहर न चली जाए कहीं। मैंने दोबारा से बूट्स का सारा काम कंप्लीट किया और काउच पे जाके लेट गया, पर इस बार बूट्स मेरे पास नहीं आए। मैं बुक रीड कर रहा था और जैसे ही मैंने ऊपर देखा, बूट्स रूम के दरवाजे के पास खड़ी थी और मुझे घूर रही थी। मैंने उसे अपने पास बुलाया लेकिन वो वही खड़ी रहकर मुझे देख रही थी। मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ और मैं 10 बजे ही वहाँ से अपने घर के लिए चले गया। घर तक ड्राइव करते करते मैं बस बूट्स के बारे में ही सोच रहा था, उस अनकंफर्टेबल फीलिंग के बारे में जब वो मुझे देख रही थी। और बूट्स को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो वो मुझसे गुस्सा है, मानो मैंने कुछ करा हो।
मैं अपने दोस्त को मैसेज करके बताना चाहता था बूट्स के इस बिहेवियर के बारे में, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे बताऊं, बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू ऑफेंड हिम एंड ऑल्सो ही वॉज ऑन वेकेशन, तो मैं उसका वेकेशन खराब नहीं करना चाह रहा था। शायद मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, आई थॉट आउट लाउड, मे बी इट्स एन ऑफ डे बिटवीन मी एंड बूट्स, बट एट द एंड ऑफ द डे बूट्स और मैं दोस्त ही हैं। फोर्थ नाइट को जब मैं मेरे दोस्त के घर पहुंचा, तो घर में अंधेरा था। मैं हर रात लाइट्स ऑन ही रख के जाता था, गैराज से स्टेयर तक की और घर के हॉलवे की। मैंने सोचा शायद फ्यूज उड़ गया होगा, पर मैंने जब स्विच ऑन किया तो लाइट्स ऑन हो गई थी। दिस मेंट कि किसी ने फिजिकली वहां पहुंचकर लाइट्स ऑफ करी थी। दिस काइंड ऑफ स्केयर्ड मी, तो मैं अपना ध्यान भटकाने के लिए वापस काम पे लग गया। मैंने बूट्स का लिक्विड खाना बनाया, उसका पानी रिफिल किया, उसका लिटर साफ किया, और आज भी वहाँ से स्मेल आ रही थी, तो मैंने दोबारा से विंडोज़ खोली। मैं ये सब काम कर ही रहा था कि तभी मुझे रियलाइज हुआ कि आज बूट्स स्टेयर के पास नहीं खड़ी थी। उसने वहाँ पर बैठ कर मेरा इंतज़ार नहीं करा, जैसे वो हर रात करती थी। मैंने आसपास देखा बूट्स को ढूंढने के लिए, तो वो खड़ी थी एटिक की स्टेयर्स के नीचे। मैंने उसे खाना खाने के लिए नीचे बुलाया, लेकिन वो मुझे बस घूरे जा रही थी। मैंने वापस उसे खाने के लिए बुलाया और इस बार मैं उसके पास जाने लगा, तभी वो सीढ़ियों से ऊपर एटिक में भाग गई। मैंने सीढ़ियों के नीचे से ही उससे कहा, तुम्हें पता ही है ना कि मैंने खाना कहाँ पे रखा है, आकर चुपचाप खाना खा लेना। और एक बिल्ली को ये चीज़ बोलकर मैं वापस सोफे पर आकर लेट गया। पर तभी अचानक मुझे ठंडी लगने लगी। मैं चद्दर लेने अपने दोस्त के रूम में गया और उसका कबर्ड खोलकर मैं चद्दर वहाँ ढूंढ ही रहा था कि तभी मुझे ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आई। तो मैं डर गया, मेरे दिमाग में 100 ख्याल एक साथ एक ही सेकंड में आ गए, लेकिन फिर मुझे याद आया कि बूट्स एडिक में है और शायद वो किसी चूहे के पीछे दौड़ रही होगी। वैसे तो बिल्लियां बड़ी शांत और स्लाय होती हैं, पर सैम की बिल्ली थोड़ी सी तंदुरुस्त हैवी थी, तो मैंने सोचा शायद इसीलिए उसके हर एक स्टेप की आवाज मुझे इतने जोर से आ रही होगी। अपने मन को दिलासा देकर मैं वापस ब्लैंकेट ढूंढने लगा और नीचे जाकर मैंने अपने लिए एक गर्म कॉफ़ी बनाई और सोफे पर जाकर सो गया। करीब 20 मिनट बाद बूट्स मेरे पास आए और मेरे पेट पर आकर बैठ गई। पर बूट्स के मुंह में कुछ था। ये तुम्हारे मुंह में क्या है बूट्स? ये कहकर जैसे ही मैं अपना हाथ उसके मुँह के पास लेके आया, उसने मेरे हाथ में वो चीज़ रख दी। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि वो चीज आखिर है क्या, बट देन आई रियलाइज दैट इट वॉज अ डेड रैट। मैंने डर के मारे अपना हाथ झटका एंड दैट माउस इट गॉट थ्रोन अवे अक्रॉस द रूम। चूहा मरा हुआ नहीं था, बस शॉक में था, क्योंकि जैसे ही वो जमीन पर गिरा ही स्टार्टेड रनिंग। बूट्स भी ये चीज देखकर एकदम तेजी से उसके पीछे भागने लगी, पर वो चूहा किचन में एक होल के थ्रू वहां से भाग गया था। मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया, उसे बताया कि उसके किचन में एक होल है जिसे उसे फिक्स करना चाहिए। सैम ने कहा, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग, आई फिक्स इट व्हेन आई कम बैक। तो मैं वापस अपनी बुक पढ़ने लगा। बूट्स अपना खाना खा के मेरे पास आकर सो गई थी और आज भी उससे बदबू आ रही थी। बेचारी बूट्स, मेरे दोस्त से दूर रहने से उसे स्ट्रेस हो रहा था, जिसकी वजह से उसका पेट खराब हो रहा था। आई फेल्ट बैड फॉर हर। बस 3 दिन और बूट्स, जैसे ही मैंने ये कहा मुझे ऊपर एटिक से किसी के चलने की आवाज आने लगी। बूट्स और मैं दोनों घबरा गए। बूट्स और मैं दोनों नीचे थे और बूट्स एंड मैं
दोनों ही घबरा गए। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे जैसे कि हम एक दूसरे को कह रहे हो कि तुमने वो आवाज़ सुनी। मैंने अपने आप को दिलासा देते हुए कहा, ये चूहा बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है हमें। पर मुझे कहीं ना कहीं पता था कि चूहों की आवाज़ इतने ज़ोर की नहीं होती है, वो भी एक बूट की। 12 बज चुके थे। मैंने तुरंत अपना सारा सामान उठाया और घर से बाहर आने के लिए गैराज की सीढ़ियों तक चलने लगा। तभी एटिक के फुटस्टेप्स की आवाज मेरे पीछे पीछे आने लगी। मैं डर गया। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो आवाज बस मेरे एक कदम पीछे थी। मैं डर गया और तेजी से वहां से घर भाग गया। मैं डर गया था, मैं सच में बहुत ज्यादा डर गया था। तो नेक्स्ट नाइट, विच वॉज ऑन अ फ्राइडे, मुझे उसके घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने सैम से प्रॉमिस किया था और बूट्स का ध्यान रखना अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैंने डिसाइड किया कि मैं वहां जाऊंगा, बूट्स का लिटर साफ करूंगा, पानी रिफिल करूंगा, उसको खाना दूंगा और वहां से चला आऊंगा। और सैटरडे को आफ्टरनून में मैं उसके घर जाऊंगा ताकि थोड़ा लेस क्रीपी लगे और मैं बूट्स के साथ ज़्यादा टाइम तक खेल पाऊँ। मैंने जैसे ही घर में एंटर करा, बूट्स मेरा सीढ़ियों के पास इंतज़ार कर रही थी। जैसे वो शुरुआत में करती थी, मैं थोड़ा रिलीव हुआ। तुम अपने हाथ फैलाकर बूट्स को पकड़ने के लिए उसके पास जाने लगा। वो एटिक की फुटस्टेप्स की आवाज़ मेरे पीछे पीछे वापस आने लगी। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, काम खत्म करो और यहां से निकलो, काम खत्म करो और यहां से निकलो। ये रिपीट करते करते मैं बूट्स का डिनर तैयार कर रहा था और इसी के साथ साथ फुटस्टेप्स की आवाज और ज्यादा लाउड होती जा रही थी। अब मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं आवाज को इग्नोर कर रहा था और बाथरूम में बूट्स का लिटर साफ करने चले गया। वो फुटस्टेप्स मुझे फॉलो कर रहे थे। मैं फटाफट लिटर साफ करके किचन में गया तो चेक कि बूट्स ने खाना खाया कि नहीं और उसका वाटर रिफिल करने लगा। लेकिन इस बार एटिक के फुटस्टेप्स ने मुझे फॉलो नहीं करा, बल्कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, टुवर्ड्स द स्टेयर्स ऑफ द एटिक। मेरा दिमाग मुझे कह रहा था कि वहां से निकल और मेरी गट फीलिंग मुझे कह रही थी टू गेट सम सॉल्ट। अभी भी वो फुटस्टेप्स मुझे सुनाई दे रहे थे। मैं तेजी से किचन के कबर्ड खोलने लगा टू फाइंड सॉल्ट। मैं इतना घबराया हुआ था कि बस यही प्रे कर रहा था कि सॉल्ट मुझे बस किसी तरह मिल जाए। कोई भी सॉल्ट हो, ब्लैक सॉल्ट, सॉल्ट एंड पेपर शेकर, सॉल्ट बैग, बस सॉल्ट मिल जाए मुझे। कि तभी अचानक मैंने हिमालयन पिंक सॉल्ट देखा और मैं उसे काउंटर पे ग्राइंड करने लगा। बहुत कम सॉल्ट था ये। मैं प्रे कर रहा था कि बस इतना काफ़ी हो। मेरी हार्ट बीट तेज हो रही थी, मुझे पसीना आ रहा था और तभी फुटस्टेप्स की आवाज रुक गई। तो गौर से सुनने के लिए मैंने सॉल्ट को ग्राइंड करना बंद कर दिया। घर में सन्नाटा हो गया। मैं ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा था और तभी अचानक फुटस्टेप्स की आवाज वापस चालू हो गई और अब ऐसा लग रहा था कि फुटस्टेप्स एटिक की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हो। मैंने जितना भी सॉल्ट था हाथ में लिया और तेजी से गैराज की सीढ़ियों के पास भागने लगा। मैं इतना डरा हुआ था कि अपनी आंखों को खोल ही नहीं पा रहा था। मैं भागते भागते सॉल्ट को अपने पीछे फेंक रहा था। मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा। मैंने गैराज के दरवाजे का हैंडल खोलने की कोशिश करी और तभी घर की सारी लाइट्स फिकर होने लगी। मैंने प्रे करने का ट्राई करा। मैं इतना घबराया हुआ था कि मुझे इंग्लिश प्रेयर के वर्ड्स याद ही नहीं आ रहे थे। मैं रोने लगा, लेकिन मुझे लैटिन में प्रेयर्स आती थी जो मेरी मॉम ने मुझे सिखाई थी। तो बिना किसी थॉट के मैं जोर जोर से लैटिन में प्रेयर बोलने लगा।
जैसे जैसे मैं प्रेयर बोल रहा था, वो फुटस्टेप्स मेरे नज़दीक आते जा रहे थे और वो मेरे पीछे आकर रुक गए। मुझे अपने नेक पर एक कोल्ड ब्रीथ फील हुई। मेरे कानों में वो कुछ तो विस्पर कर रहे थे पर मुझे अच्छा समझ नहीं आ रहा था। फिर जोर जोर से किसी विच के हंसने की आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। लाइट्स और तेजी से फ्लिकर हो रही थी और विच के हंसने की आवाज़ और भी भयानक होती जा रही थी। मैंने घबराकर और लाउडली प्रे करना स्टार्ट कर दिया और प्रेयर खत्म होते ही मेरे हाथों में जितना भी बचा हुआ सॉल्ट था वो मैंने मेरे पीछे फेंक दिया। मेरे नमक फेंकते ही लाइट्स फ्लिकर होना बंद हो गई थी एंड वो डरावनी हंसी एंड विस्परिंग भी रुक गई। मैं अभी भी इतना घबराया हुआ था कि आई एम श्योर 5-10 मिनट में वहीं पर खड़ा था विदाउट मूविंग एंड विदाउट मेकिंग एनी साउंड। यहाँ तक कि आई एम प्रिटी श्योर कि एट वन पॉइंट मैंने अपनी सांस भी रोक ली थी। घर में अब शांति हो गई थी। बाहर रोड पे गाड़ियों की चलने की आवाज़ अब घर के अंदर सुनाई दे रही थी और उनकी हेडलाइट्स की वजह से घर में रोशनी आ रही थी। मेरे पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने गैराज का दरवाज़ा खोला, पासकोड डाला और गैराज से होते हुए घर के बाहर आ गया और मैंने रोड क्रॉस करी। दैट वॉज द पॉइंट जब मेरी जान में जान आई। मैं थोड़ा होश में आया और थोड़ा होश में आते ही मैंने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया बट ही वॉजंट पिकिंग अप। मैंने उस घर में जो एक्सपीरियंस किया उसके बाद अगले दिन उस घर में वापस जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी। 2 दिन बाद वैसे भी सैम वापस आ ही रहा था तो मैंने सोचा कि बूट्स अपने आप को 2 दिन तक संभाल लेगी। शी हैड इनफ फूड एंड वाटर इन द हाउस फॉर हर सेल्फ। और जैसे ही मेरा दोस्त वापस आएगा मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा कि क्यों मैं उसके घर नहीं जा पाया। आई रियली कुड नॉट डू इट अगेन। आई कुड नॉट मेक माई सेल्फ गो इन दैट हाउस अगेन। सैम संडे को 7 बजे लैंड होने वाला था तो मैं उसे एयरपोर्ट पर लेने चले गया। सैम जैसे ही अराइवल गेट से बाहर आया मुझे वहां खड़ा देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था। उसने मुझसे कहा, व्हाट आर यू डूइंग हियर। हम दोनों टैक्सी में बैठे और मैंने उसे वो सब कुछ बता दिया जो जो चीज़ें मेरे साथ हुई और मैंने उसे उसकी कैट की फोटोज भी दिखाई जो मैंने उसके घर में क्लिक करी थी। इतने में ही टैक्सी वाले ने मुझसे अनोइंगली पूछा, कहाँ जाना है सर। मेरे दोस्त ने मुझे देखा लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। ड्राइवर ने फिर से पूछा, सर कहाँ जाना है। सैम ने मुझे देखकर कहा, तुम्हें तो पता ही होगा कि कहाँ जाना है, तुम 1 हफ्ते से मेरी कैट की देखभाल कर रहे हो, चलो बता दो एड्रेस। ड्राइवर ने फिर से पूछा, सर एड्रेस। पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस घर में वापस जा पाऊँ तो मैंने सैम को सजेस्ट किया कि वो आज रात मेरे ही घर में रुक जाए। और ये कहने के बाद मैंने ड्राइवर को मेरे घर का एड्रेस बता दिया। हम मेरे घर पहुँचे, फैशन अप हुए और बैठते बैठते हमारी बातें शुरू हो गई। मेरा डॉग माइलो वो भी हमारे पास आकर बैठ गया। सैम ने उसे बुलाया नहीं और ना ही वो उसके साथ खेल रहा था। माइलो भी उसके पास नहीं जा रहा था। वैसे तो माइलो एक फ्रेंडली डॉग है लेकिन शायद उसे सैम पसंद नहीं था। सैम मुझे बता रहा था कि उसने वेकेशन में क्या क्या किया और बात करते करते उसने मुझसे मेरी पुरानी जॉब के बारे में पूछा, तुम इतने दिनों तक वहाँ कर क्या रहे थे, तुम्हें मेरी याद नहीं आई, लोनली फील नहीं हुआ तुम्हें मेरे बिना, एज आई एम योर ओनली फ्रेंड हियर। उसने ये चीज़ मुझे सार्केस्टिकली कही थी बट इट वॉज काइंड ऑफ ट्रू। सैम मेरा इकलौता अच्छा दोस्त है और मैं उससे अपनी हर एक बात शेयर करता हूँ। मैं पुरानी जॉब और शहर के बारे में सोचने लगा कि कैसे शुरुआत के दिन थोड़े डिफिकल्ट थे मेरे लिए पर मैंने एडजस्ट कर लिया और दोस्त भी बना लिए थे। पर मुझे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल और अनईजी फीलिंग आ रही थी। पता नहीं क्यों सैम मुझसे बार बार पूछे जा रहा था कि तुम वापस क्यों आए, अचानक क्या हुआ। और इन सारी चीज़ों का आंसर देने के लिए, इन सारी चीज़ों के बारे में बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं वापस क्यों आया। मे बी इट वॉज लोनलीनेस और मे बी आई वॉज जस्ट मिसिंग माई होम।
मैंने बात टालने की कोशिश करी और वो फिर भी पूछे जा रहा था, बताओ ना तुम वापस क्यों आए, बताओ तो। मुझे उसके सवालों से अब चिढ़ लगने लगी। मैं चुप ही रहा, उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी, अरे बताओ भी, बता दो। ये सब सुनकर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने उसका कॉलर पकड़ा और गुस्से में उसे देखता रहा। अब वो मुझ पे हंस रहा था, मुझे सहन नहीं हो रहा था ये सब कुछ, और मैं उसे पंच करने ही वाला था कि तभी मेरे दरवाजे की घंटी बजी। हम दोनों ने दरवाजे की ओर देखा और फिर एक दूसरे को। मैंने उसका कॉलर छोड़ा और दरवाजा खोलने के लिए बढ़ा। दरवाजा खुलते ही पुलिस अचानक से घर के अंदर आई और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। You are under arrest. और वो लोग मुझे खींचते हुए वहां से ले गए। मैं कंफ्यूज था, ये मेरे साथ हो क्या रहा था? मेरा डॉग माइलो जोर जोर से बार्क कर रहा था, शायद पुलिस से कोई गलती हो गई है, मेबी दे आर एट द रॉन्ग हाउस। फिर भी मैंने अपने दोस्त को चिल्लाकर पुकारा, सैम हेल्प मी, सैम हेल्प मी। मैंने फिर से अपने दोस्त को पुकारा, बट ही वॉज जस्ट स्टैंडिंग देयर। वो मेरी मदद करने क्यों नहीं आ रहा है? मुझे ये चीज समझ ही नहीं आ रही थी। ही वॉज नॉट पैनिकिंग ऑल्सो, ही वॉज जस्ट स्टैंडिंग देयर। शायद पुलिस ने उसे भी हथकड़ी या हैंडकफ पहना लिए हैं, इसीलिए वो मेरे हेल्प नहीं कर पा रहा है। पुलिस की कार में घुसने से पहले मैंने एक बार लास्ट टाइम अपने घर की तरफ देखा तो मुझे बस वहां माइलो खड़ा दिखा, जो कि अभी भी बार कर रहा था। सैम वहां था ही नहीं। मैंने यहां वहां देखा लेकिन मुझे वहां कोई भी नहीं दिखा। शायद पुलिस ने उसे दूसरी गाड़ी में बिठाया होगा, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि सैम यहां से भाग गया हो। मुझे छोड़कर इस सिचुएशन में कैसा दोस्त है ये? ये सब सोचते सोचते जैसे ही मैं पुलिस की गाड़ी में बैठा, तभी गाड़ी का दरवाजा खुला और सैम मेरे पास आकर बैठ गया। पुलिस ने उसे हैंडकफ्स नहीं पहनाए थे। पूरे रास्ते हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे और एक भी शब्द नहीं बोल पाए। मुझे और सैम को एक ही रूम में बैठाया गया। थोड़ी देर बाद पुलिस मेरे रूम में आई, मुझसे पूछने लगी कि मैं पिछले एक वीक में कहाँ था, तो मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि कैसे मैं घर पर ही था और मेरे दोस्त के कहने पर मैं उसकी बिल्ली का ध्यान रख रहा था, और वो अगर कंफर्म करना चाहते हैं तो वो ये चीज़ सैम से पूछ सकते हैं। पुलिस ने मुझसे थोड़े और सवाल पूछे और वो वहाँ से चले गए। ये सब क्या हो रहा है केविन? सैम ने मुझसे पूछा, पर मेरे पास बताने के लिए कुछ था ही नहीं। मैं क्या कहता उससे कि मुझे तुम्हारे घर में एक भूत की प्रेजेंस आई? मैंने उस पर नमक छिड़का। He should not believe me, because even I don't believe in these things. थोड़ी देर बाद पुलिस वापस मेरे रूम में आई और उन्होंने उससे कहा, तुम्हें पता है ना, हमने तुम्हें अरेस्ट क्यों करा? मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मेरी और सैम के सामने लैपटॉप रखा जिससे कि एक वीडियो प्ले हो रही थी। वीडियो में एक आदमी कुछ तो चाकू से काट रहा था। मैंने पुलिस वालों से पूछा कि ये चीज मुझे क्यों दिखा रहे हो आप, तो उन्होंने मुझसे कहा, ये तुम हो। उनका कहना था कि उस घर के ओनर्स वेकेशन पे गए थे और जब वो घर से लौटे तो उनकी बिल्ली मरी हुई थी। जब उन्होंने अपने घर के कैमरास चेक किए तो उन्होंने ये देखा कि मैंने उनकी कैट को मार दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग आखिर कह क्या रहे हैं। वीडियो में मैं नहीं हूं। मैंने पुलिस को सैम से बात करने के लिए कहा, यह घर सैम का है, सैम का, आप सैम से खुद पूछ लीजिए। पुलिस बस मुझे देखे ही जा रहे थे और उन्होंने मुझसे कहा, यह सैम कौन है? मैं अब कंफ्यूज हो रहा था, क्या यह पुलिस अंधी है या फिर यह मेरे साथ कोई अजीब सा मजाक कर रहे हैं? मैंने अपने लेफ्ट में देखते हुए कहा, ये है सैम, ये जो मेरे बाजू में बैठा हुआ है। जब मैंने पुलिस की ओर देखा तो वो मुझे ऐसे देख रहे थे कि मानो मैं पागल हूं। मैंने सैम की तरफ देखा और उससे कहा, सैम तुम मेरे कुछ बता क्यों नहीं रहे हो यार, मैं यहां फंसा हुआ हूं, कुछ तो बोलो। सैम मुझे घूरे जा रहा था। सैम मुझे बस
देखते देखते सिर्फ क्रीपीली स्माइल कर रहा था। सो होपफुली तुम्हें भी ये स्टोरी उतनी ही पसंद आई होगी जितनी मुझे आई थी। एंड ये स्टोरी अगर तुम लोगों ने रेडिट में पढ़ी थी पहले तो तुम्हें ये चीज समझ आ गई होगी कि मैंने इसे थोड़ा सा चेंज करा है। आई रियली लाइक द स्टोरी, पर उसके साथ में मुझे एक एलिमेंट ज्वाइन करना था, सो आई हैव एडेड लाइक फ्यू वर्ड्स फ्रॉम माइंड। सो होपफुली जो असली स्टोरी टेलर था उसे कुछ बुरा नहीं लगेगा। एंड अगेन मैंने इस स्टोरी का जो रेडिट लिंक है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सो प्लीज गो चेक इट आउट। एंड विद दैट आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। सो बाय बाय।